बधाई गौरव जी, आपने बीपीएससी में टॉप किया है। किस तरीके से तैयारी की और किस तरीके से मेहनत हुई, किसका किसका साथ मिला आपको इसमें? सर थैंक यू सो मच। सर साथ तो मतलब सभी का मिला, कोई ऐसा नहीं है जो मतलब ऐसा कहा जाए कि साथ छोड़ दिया। सारे दोस्त लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, कई दोस्त तो ऐसे हैं सर कि फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किए, सीनियर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो सर सपोर्ट सबका था सर। पढ़ाई गौरव जी, अब पढ़ाई कहाँ से हुई, मतलब शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की, फिर क्या आप बिहार के बाहर भी गए पढ़ने के लिए, संघर्ष किस तरीके से रहा पढ़ाई वाला, जो अगर उसको उस पर अगर बात करें तो? सर बचपन में मैं किट सॉरी बचपन में मैं वहाँ CHS वाराणसी से पढ़ा हूँ 6 से लेकर 12 तक, और उसके बाद सर मैं किट यूनिवर्सिटी से भी मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद जॉब 3 साल किया हूँ, जॉब करने के बाद फिर मैं इधर प्रिपरेशन में आ गया। फैमिली में कौन कौन था जिनका साथ मिला सबसे ज्यादा, किस फैमिली में किसने मोटिवेट किया आपको, मतलब कि एक सपना है जिसकी तरफ बढ़ना है धीरे धीरे करके आगे? सबसे ज्यादा मोटिवेट करना सब लोग करते हैं मोटिवेट, ऐसा मतलब कोई नहीं है मतलब जो पैर खींचे उस तरह, मेरा फैमिली उस तरह का नहीं है, मतलब शुरू से काफी मतलब कोई भी मतलब पढ़ने के लिए काफी शुरू से प्रमोट किया करते हैं लोग। फैमिली में कौन कौन लोग हैं मतलब आपके अलावा? मैं हूँ, मेरी मम्मी है, और एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी नहीं है, तो पिताजी के देहांत के बाद मैं मामा लोग के साथ रहने लगा। जी जी। तो मामा मामा लोग हैं, 3 मामा हैं, नानी नाना जी हैं। जी जी। हाँ इतना ही है, और भाई है मेरा, तो भाई इंजीनियरिंग करता है। और फैमिली तो आप ऐसे बोलेंगे तो बहुत लोग हैं, चाचा चाची लोग हैं, लेकिन वहाँ हम रहते नहीं है, दादा दादी भी हैं। क्योंकि अब बिहार में आप काम करेंगे, बिहार को आपने बहुत पास से देखा होगा क्योंकि जन्म यहाँ हुआ है, किस सेक्टर पे फोकस करेंगे और बिहार के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं आप ही की तरह UPSC BPSC क्रैक करने का, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सर कि मतलब कुछ आदमी को मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि सर इस तरह का प्रिपरेशन है ना कि हमेशा कुछ डल फेज आएगा, हमेशा मतलब एक ही तरह मतलब सर्वोच्च शिखर पे नहीं रहेंगे, कभी आप फेल होंगे, तो ऐसा नहीं है सर, मतलब मेहनत करते रहना चाहिए, भले आप 2-3 घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। और प्रायोरिटी की बात करें सर, तो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है सर कि मैं जिनसे भी मिलूँ, मेरे जिनसे भी मतलब इंटरफेस सिटीजन से हो, उनको एक अच्छा अनुभव हो कि हाँ मतलब गवर्नमेंट के जिस एम्प्लॉय से मिल रहे हैं मतलब अच्छा अनुभव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब उनको ये फीलिंग आए कि ये ऑफिसर है, मतलब नॉर्मल इंटरेक्शन होना चाहिए, अच्छा फीलिंग होना चाहिए। कितने घंटे खुद गौरव सिंह पढ़ाई करते थे, मतलब जब, क्योंकि आपने कहा कि आप एक जॉब में भी आए और उसके बाद फिर से पढ़ाई की तरफ लौटना, कितने घंटे देने पड़ते थे शुरुआत के दिनों में और फिर ये सपना साकार हुआ? ऐसा कुछ सर फिक्स नहीं होता सर, कभी 10 घंटे, कभी 0, कभी 10-12, एग्जाम है तो सर 15 भी पहुंच जाता है, और नॉर्मल टाइम है तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो सर वो डिपेंड करता है सर कैसा सिचुएशन है, मूड कैसा है, कितना आदमी उस टाइम पे मोटिवेटेड है। ऐसा नहीं होता सर कि एक रेगुलर पैटर्न पे मतलब 10 घंटा पढ़ रहे डेली, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या चीजें पसंद है, मतलब जब पढ़ाई के अलावा गौरव सिंह को, मतलब जब आप पढ़ाई के अलावा जब आप बाहर निकलते हैं तो मतलब क्या, मतलब दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, फैमिली के साथ वक्त गुजारना, क्या पसंद है? नहीं, दोस्तों के साथ तो समय गुजारना बिल्कुल पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, और बारिश में भीगना भी बहुत पसंद है, और यही सब है सर। खाना भी, खाना बहुत पसंद है, तरह तरह के डिफरेंट टाइप का आइटम ट्राई करना। सबसे ज्यादा क्या पसंद है अगर बिहारी कुजीन की बात करें तो, बिहारी की कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज्यादा मतलब बस मिले और बस लगता है कि बस खा ले? सर मैं बोलूंगा तो अब यकीन नहीं करेंगे एक्चुअली। क्या पसंद है? सर मुझे माड़ भात और टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, और आलू का दम वो भुजिया जो होता है ना एकदम तला हुआ ऑयल में, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैं जाता हूँ घर पे तो नानी पहले दिन मुझे यही बना के देती हैं। अभी कहाँ हैं आप, पुणे हैं या अभी? जी पुणे ही है, पुणे। बिहार कब आना है परिवार के साथ? सर मैं पहुंचूंगा शायद 14 तारीख को, 15 तारीख को सर। सर क्योंकि गौरव इस बार बहुत खास है बिहार के लिए, बिहार ने UPSC में भी टॉप किया इंडिया लेवल पर और आपने UPSC में BPSC में टॉप किया है स्टेट लेवल पर, मतलब 2 टॉपर हैं और बिल्कुल दोनों यूथ्स हैं, युवा जो आजकल एक भटकाव की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आखिरी एक, एक सवाल आपसे कि उनके लिए क्या मैसेज है जो एक तरीके से भटकाव की ओर जा रहे हैं, किस तरीके से बिहार को फिर से गौरवशाली बिहार बनाए, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए?
सर ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है सर, वो अपने आप को कैसे इंक्लाइन करता है। अब सबको मैं ये सजेशन नहीं दे सकता कि आप बीपीएससी की तैयारी करें, ये तो उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो चीज़ भी करे उसमें एक्सेल करे। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलिए, बिहार का क्रिकेट रणजी टीम बहुत कमजोर है, आप जो करिए एक्सेल करिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब जो भी काम करे अच्छे से करें। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, जी बात करें जी, फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।